अग्नि परीक्षा में मुझे पास कर लिया है और अनुपमता आज मेरा नाम छोड़ ही गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मेरे विषय देना चाहेंगे? अरे मैं तो बधाई देना चाहूंगी और मैं देख रही हूँ बहुत दिन से हम साथ हैं और मैंने इनकी फिल्म में भले नहीं गाया लेकिन हम शुरू से ही साथ हैं इनके और मैं चाहती हूँ कि दुनदुना रात चौगुना तरक्की करें। और आज बात करें बर्थडे मनाया गया और साथ में थिएटर लॉन्च है फिल्म का, उसके बारे में क्या कहें? ये तो खुशी की बात है, हमें इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था और वो दिन आ गया। यहाँ पर आए हुए अपने सारे इष्ट मित्रों का और अपना हमारे भोजपुरिया समाज से जुड़े हुए, हमारे भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए सभी मित्रों को सादर प्रणाम और नमस्कार, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव की सभ्यता और संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक उसका वजूद है, इसलिए मैं अपनी इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिल से चाहता हूँ और आने वाले वक्त में शायद बहुत बड़ा प्रोफार्मा या मेरी सोच में है कि मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में रह करके किस तरीके से डेवलप करूं और अपने नए साथियों को ला करके या हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी हमारे साथी हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिए, उन सभी के साथ जुड़ करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूं उन सारी टीम के साथ। बट लेकिन होता है क्योंकि किसी भी काम को करने जाइए या हम किसी फोर व्हीलर या टू व्हीलर, किसी बाइक हो या फोर व्हीलर हो, अगर उस पर हम ड्राइविंग करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले टॉप गियर नहीं लगता है, पहले फर्स्ट गियर ही लगता है। तो ये मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जंग सियासत के नाम से जो हमारी मूवी है वो फर्स्ट गियर है इस फिल्मी दुनिया में भोजपुरी। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे के उस दर्द को सहती है और जिस दिन वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है माँ के सारे दर्द काफूर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो सारे दर्द को भूल जाती है जब वो बच्चा उसकी गोद में आता है। तो आज मेरी खुशी का उस माँ से मैं कंपैरिजन करता हूँ कि मेरी खुशी का ठीक वैसे ही मुझे फीलिंग हो रही है जो एक माँ को फीलिंग होती है। अभी एक हमारी एक फिल्म की हिंदी गाने आए हैं उसको मैं सुनाना चाहूंगी। अरे रंगीले अखियों से पीले इश्क के जामुन नशीले, अरे रंगीले अखियों से पीले इश्क के जामुन नशीले, कल के कल पर आज जो पल है आजा खुल कर जी ले, आजा खुल कर जी ले अरे रंगीले। वाह 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 वाह। हमारी इस हीरो भाई एंटरटेनमेंट से जो फिल्म आज जंग सियासत के आप लोगों के बीच में है उसमें हमारे टाइटल सॉन्ग को लेकर के 10 गाने हैं जिसमें 9 गाने को फिल्माया हुआ है और सारे के सारे गाने हमारे भोजपुरी इस इंडस्ट्री में ताज रखने वाले हमारे छोटे बाबा जी हैं। छोटे बाबा जी की म्यूजिक है और अच्छे अच्छे इस गाने में हमारे गाने को गाने वाले हमारे सिंगर हमारे आलोक कुमार जी हैं जिन्होंने कव्वाली गाई है, इंदु सोनाली जी हैं, प्रमिला जैन जी हैं, बट मुझे सभी लोगों के सिंगर के इसके लिए माफ़ी चाहूँगा नहीं मुझे याद है। हमारे छोटे बाबा जी शायद यहीं पे हैं, बता सकते हैं कहाँ? अच्छा निकल, अच्छा अच्छा। तो आप लोग सारे इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और कोई गाना ऐसा नहीं है जो जिसमें वर्णता हो, डबल मीनिंग का गाना हो, ये पूरी की पूरी फिल्म ही
पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए बनी है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, पूरा परिवार ये गाना सुन सकता है। इस तरीके से ये फिल्म की भी डिज़ाइन की गई है और सारे गाने की भी इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है। 10 गाने हैं इसमें। हाँ सर जी, इसकी वजह है, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और इससे पहले ही स्टेटमेंट में मैं अभी बोला था कि इंसान को अगर खुद पे भरोसा है तो कुछ भी कर सकता है। तो यूमिनियस फिल्म इंडस्ट्री में नया होने की वजह से एज ए प्रोडक्शन हाउस या एज ए प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को कंप्लीट करके, सारे गाने कंप्लीट करके, जब मैं इस गाने को, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स रात दिन, भैया कब आ रहे हैं गाने, आ रहे हैं कब ट्रेलर आ रहा है, कब फिल्म रिलीज हो रही है, फिर हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे पास डेली फोन आते आते मैं परेशान हो जाता था। और ये फिल्म नवंबर दिसंबर में पूरी सारे टेक्निकल काम कंप्लीट करके अपनी म्यूजिक कंपनियों के, मैं जैसे शादी के 7 फेरे लगाए जाते हैं उस तरीके से मैं 3 से 4 महीने सारी म्यूजिक कंपनियों के 7 फेरे लगाए, लेकिन कोई मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी मेरे गाने को कोई भी म्यूजिक कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो टर्म और कंडीशन उनका था, मेरे टर्म और कंडीशन, मैं उनके टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे लगा कि उस माँ के जैसा दर्द मैंने झेला है और आज मैं पैदा करके, यानी ये पूरी की पूरी अथॉरिटी मैं इन म्यूजिक कंपनी के सारे लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, ये लेने के लिए एक्सेप्ट। मुझे उस चीज़ का पारिश्रमिक जो मैंने मेहनत किया था मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपनी खुद की म्यूजिक एज ए हीरो है म्यूजिक करके लॉन्च किया और अपने सारे समर्थकों को, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शान मैंने बरकरार रखा कि हम प्रोड्यूसर्स, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम सारे एक्टर, हमारे खुद में दम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि हमने जो मेहनत किया है, मेहनत करके जो हमने ये बिल्डिंग तैयार की, ये फिल्म को तैयार किया है, जंग सियासत को, वो सब कुछ आज मेरे हाथ में है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैं कभी किसी के सामने, मेरा स्वाभिमान झुका नहीं किसी के अभिमान के सामने। और मैं ये चाहूंगा कि मैं हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की लड़ाई लड़ता रहा हूं। मजबूरी में यह स्वाभिमान झुकता जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि पांव के नीचे दबा करके उसके रौंद दिया जाए। तो रौंदी जैसी स्थितियां मेरे सामने आके खड़ी हुई थी। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बालेश्वर जी हैं, इन दोनों लोगों का साथ बहुत रहा मेरा अपने इस सारी मेहनत को आगे करने में। और शुरू से बालेश्वर भाई मेरे साथ रहे, छोटा भाई मेरा साथ रहा और मेरा हमेशा हौसला बुलंद रहा। यही कहूँगा कि काफ़ी दिन से इस फिल्म का इंतजार था और आज जो है पब्लिक के बीच में आ गया है। और हीरो भाई ने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि हम लोग, मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, बहुत अहम हिस्सा हूँ, तो काफ़ी अच्छा सिनेमा बना है। किरदार की बात करें तो कैसा किरदार है आपका? मेरा इसमें किरदार है मुन्ना का, जो दीपक इनका किरदार है। हम दोनों कभी इस फिल्म, मतलब ऐसा है कि दोनों दोस्त रहते हैं लेकिन किसी कारण बस हम लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो हमारी और इनकी जो है दुश्मनी कंटिन्यू चलती है। एंड में जा करके हम समझते हैं कि दूसरे को नहीं, हमें गलत किया गया है। तो किरदार बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा सिनेमा है, स्टोरी बहुत ही प्यारा है, गाना बहुत प्यारा है, क्योंकि गाना छोटे बाबा ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत मेलोडी सॉन्ग्स हैं इसमें। मुजरा आप लोगों को मिलेगा इसमें बहुत दिनों बाद भोजपुरी में, तो मुजरा आजकल मुझे लगता है बहुत कम ही फिल्मों में आता है, इसमें बहुत प्यारा मुजरा भी है। और हीरो भाई ने काफ़ी मेहनत किया इस फिल्म में, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो डबल प्रेशर था इनके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बड़ा बाखूबी इस चीज़ को निभाया, अपने कैरेक्टर को निभाया, बड़ा मज़ा आया शूटिंग करके। सियासत की बात करें तो किस तरीके की सियासत इसमें देखने को मिली? सियासत ऐसी है फिल्म की कहानी तो मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि दो दोस्त होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, और अब इसमें ऐसा जन सियासत फैलाया जाता है कुछ जो विपक्षी लोग होते हैं, जैसे आज के समाज में चल रहा है, जो आजकल पार्टियाँ कर रही हैं,
कुछ मुद्दों को लेकर दुनिया के लिए कुछ इसी टाइप का है, लेकिन अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैसेज हम यही देंगे कि भाई जो आज जितने पॉलिटिशियन लोग हैं, जैसे नेता लोग हैं, आपको जात धर्म और चीज़ों पर जो बड़गड़ा दे रहे हैं और आप रोड पर उतर जा रहे हो, ना उतरे रोड पर, क्योंकि रोटी वो लोग सेकते हैं, मरते आप लोग। लिए हम यही कहेंगे कि बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत इन्होंने किया भी है और आगे भी जो भी प्रोजेक्ट करेंगे हमें मालूम है कि ये दिल से बनाएंगे और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हीरो भाई खुद इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े हीरो साबित होंगे। और इनका फैन फॉलोअर भी है, मैंने देखा है आजमगढ़ में शूट हुआ था इनके होम टाउन में। तो बस यही कहूँगा हीरो भाई ऐसे लगे रहिए और फिल्में बनाइए, हम एक्टर लोगों को काम मिले। पहले तो मैं भगवान को तहे दिल से बहुत ही, भगवान ने बहुत साथ दिया हम लोगों का। अजय भाई जब भी लगा ऐसा कि अब फिल्म रुक जाएगी, अब ऐसा हो जाएगा कि काम रुक जाएगा, तब भगवान ऐसा अजूबा किए कि फिल्म रुकी नहीं और आज फिल्म रिलीज होने के कगार पे आ गई है। पहली फिल्म थी, जानकारी कम था, मेहनत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया कि इसको रोकेंगे नहीं। और इस शूटिंग में मेरी माँ का भी डेथ हुआ, फिर भी हम लोग अपने हौसले को कम नहीं होने दिए और आज इस मेहनत का जो फल है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। और पब्लिक पहले से ही पागल है कि कब रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी। उत्तर प्रदेश से इतना फ़ोन आता है, अभी बिहार में भी लोग जुड़ गए हैं, गुजरात में भी लोग जुड़ गए हैं, राजस्थान में भी लोग जुड़ गए हैं। तो रिलेशन के और अपने रिश्तेदार भी थे, लेकिन उसके अलावा इतने फ्रेंड हो गए हैं कि डेली फ़ोन आता है, भैया 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 कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा। और आज इस स्थिति पे है कि हम लोग दो या तीन दिन बाद इसका डेट भी क्लियर कर देंगे रिलीजिंग का। और अभी YouTube पे ट्रेलर चला गया है और मैं जनता से और अपने भाइयों से और भोजपुरी सिनेमा देखने वाले श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जंग सियासत के को इतना प्यार दीजिए, इतना हम लोगों को हिम्मत दीजिए कि हम लोग फिर दूसरी फिल्म बनाएं, तीसरी फिल्म बनाएं और आने वाले वक्त में मार्केट में हम लोगों को लोग ये कहें कि नहीं अच्छी फिल्म बनाते हैं, फैमिली फिल्म बनाते हैं, टू मीनिंग गाने नहीं रहते हैं, दो अर्थे वो चीज़ें नहीं रहती हैं कि जो भी कोई वर्ड बोल दे, गलत वर्ड नहीं फिल्म में रहती हैं और फैमिली के लिए फिल्म बनाते हैं। तो आप लोगों से ही मैं चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक ने ही एक निचले स्तर आदमी को बहुत ऊपर कर दिया, मंत्री विधायक बना दिया। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि आज हम अपने दिल में ये है कि हम लोग स्टार बने, तो पब्लिक से और श्रोताओं से यही इच्छा और कामना है कि आप लोग अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हम लोगों पे बनाए रखें। आप तक देखते आ रहे हैं, इन्होंने एक सपना, एक कहावत है ना, जो पालने के पूत होते पालने में नजर आते हैं। तो इसी तरह जब पहली बार इनसे मिला तो मुझे लगा कि वाकई में कुछ बन सकते हैं। तो दिलो जान से मैंने मेहनत किया और मेहनत मेरी आज सफलता हुई है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी चले और टॉप पे चले। देखिए एक्चुअली मेरी तीसरी पीढ़ी है ये, और मेरे डैडी भी फाइट मास्टर थे, उनका नाम था किशोर, नाम से मशहूर थे वो, ऐसा नाम था गुलाम रसूल। तो मोगले आजम, अनारकली, आन, ये सब फिल्में उन्होंने की है। फिर मैं 15 साल डुप्लीकेट किया एज ए जितने भी हीरो हैं, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, शशि कपूर, ऋषि कपूर, सबका डुप्लीकेट किया, हेमा मालिनी और ये अरुण ईरानी, सबका डुप्लीकेट किया मैंने 15 साल एज ए फाइटर रहकर, डुप्लीकेट रहकर 15 साल निकाला। फिर 10 साल मैंने असिस्टेंट किया हूँ, उसके बाद में एडमिट मास्टर बना हूँ मैं। आज मास्टर मेरे कम से कम 15 से 20 पिक्चर है नेट के ऊपर,
और अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा चले, आप लोग की दुआ रहे मेरे साथ, तो मैं करते रहो और इस तरह बच्चे लोग को आशीर्वाद देते रहो। सर आपका नाम? मोहम्मद अली। सर ढेर सारी शुभकामना, आपने कहा धीरू भाई का और हौसले आज बुलंद हुए हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत आगे आपके बारे में, आपका नाम और आप क्या करते हैं? सबसे पहले मेरा नाम तो अजय है, मैं इस पार्ट फिल्म का डिजाइनर हूँ और मेरी शुभकामनाएं पहले मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हीरो भाई और उनके टीम को म्यूजिक रिलीज एंड ट्रेलर रिलीज के अवसर पर बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। वो तो बात सही है, ऐसे हर किसी को जुड़ना चाहिए क्योंकि फिल्म किसी एक का नहीं होता, फिल्म पूरी टीम की होती है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जिन तकलीफ़ों से, जिन कठिनाइयों से हीरो भाई और उनके टीम ने फिल्म को कंप्लीट की है, हम उनके इस हिम्मत को बहुत बहुत सराह रहा हूँ कि उन्होंने, बहुत सी परेशानियाँ आई उनको इस बीच फिल्म के बनने से लेकर के टिल आज तक म्यूजिक रिलीज तक बहुत सी परेशानियाँ आई जो मुझे ज्ञात है, और उस बात तो उस परेशानी को झेलते हुए भी उन्होंने म्यूजिक आज के म्यूजिक लॉन्च और ट्रेलर लॉन्च तक वो पहुँचे, ये मेरी उनको तहे दिल से शुभकामनाएँ हैं। आप बताइए जो है इस फिल्म का भी हिस्सा है, एज ए एक्ट्रेस ढेर सारी फिल्में आपने की है जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम अंजलि बैनर्जी है और यस इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, जंग सियासत के। हीरो भाई जो कि हमारी फिल्म के लीड हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो फिल्म के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके एंड काफ़ी सपोर्ट रहा है इनका, सो आई एम थैंकफुल टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज हम लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक लॉन्च भी कर लिया और गाने बहुत अच्छे हैं। मेरा भी इसमें आई थिंक दो गाने हैं, एक होली का सॉन्ग है जो कि मेरा फेवरेट है और भी एक गाना है जो मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, पर दैट इज़ माय बेस्ट सॉन्ग्स। और सभी ने काफ़ी अच्छा किया है काम और इस फिल्म में बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, संजय पांडे जी भी हैं और बालेश्वर सर भी हैं और रविराज दीपू हैं एंड प्रेम जी हैं जो कि हीरो भाई जी के भाई हैं, फिर राम मिश्रा जी हैं, फिर साहिल हैं और वैभव हैं, सभी हैं। तो आई मीन इट्स लाइक पैकेज है पूरा फिल्म, तो और मैं थैंकफुल हूँ कि आज आपने मुझे इनवाइट किया। एंड मेरा जो रोल है इसमें एक मुस्लिम वुमेन का है जो बहुत ही सिंपल लड़की है, सिंपल मतलब औरत है और अच्छा है। आप देखिए बाकी फिल्म कि कैसा है ये फिल्म जंग सियासत के, नाम ही इतना कंट्रोवर्शियल है कि आई थिंक आप लोग देखने ज़रूर जाएंगे। जंग सियासत के आजमगढ़ में हमने इस फिल्म का शूट किया और आजमगढ़ मेरे को गांव बहुत अच्छा लगता है। मैं मुंबई में हूँ, मुंबई शहर भी अच्छा है पर मुझे गांव से भी एक मेरा बहुत अच्छा टच है। तो गांव में जब हम लोगों ने आजमगढ़ में शूट किया, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फ्रेंडली था और वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और क्योंकि सर का वो खुद का गांव है वहाँ पे, तो बहुत सपोर्ट मिला और वहाँ की वादियों में शूट करने में हमें बहुत मज़ा आया। तो वापस आजमगढ़ बसना चाहेंगे क्या? नहीं, बसना तो नहीं चाहूँगी मैम, आई लव मुंबई, मैं मुंबई छोड़ के कभी नहीं जाती, सॉरी आई एम सेल्फिश। दूर से अच्छा लगता है। हाँ, मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर एक बार देखने जाइए इस फिल्म को और मुझे भी देखने जाइए प्लीज, हम प्लीज मुझे क्या बात है सर जी, हमारे अजीजों में है हमारे रामचंद्र भाई और आज हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ज़मीनी स्तर से अपने आप को आज बड़े बड़े हमारे सुपरस्टारों के बीच में हैं और सबका स्टेटमेंट मीडिया के द्वारा आप लोगों को हाईलाइट करते रहते हैं,
तो जो भी इनका सवाल है कि ऐसे म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने का रीज़न, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का रीज़न, तो होता है सर जी कि जब आप खुशहाल होते हो, जब आप में दम होता है, तो सारी दुनिया सलूट करती है, सारी दुनिया आपको आगे रास्ता देती है चलने के लिए, और आपके अंदर दम नहीं है तो सारे लोग आपके रास्ते के कांटे बनते चले जाते हैं, रुकते चले जाते हैं। तो म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने का, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का, या भी आगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डिवीजन में भी उतरने का जो प्लानिंग है, आने वाले वक्त में एज ए ट्रेनिंग सेंटर में लॉन्च करने का, इस मुंबई में मेरी प्लानिंग है कि अपने यहाँ से जो भी अच्छे क्वालिटी पीपल्स, लड़के या लड़कियाँ या अपने बुजुर्ग या ओवर एज के लोग, उनको मैं अपने यहाँ से ट्रेंड करूँगा, जिस लायक हो, सीरियल शो, मॉडल शो, किसी भी एक्टर में या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो वो अपने ऊपर उनसे पैसा खर्च कराऊंगा, एज ए एक्टर उनको बनाने की प्लानिंग करूंगा। और जो आज मैं झेला हूं अपने इस फिल्म के गाने को लेकर के, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मेरे अजय भाई ने कहा कि इस फिल्म को काफ़ी जद्दोजहद करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये बिल्कुल फैक्ट है। वो सारी हकीकत को मैं ओपन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैंने जो मेहनत किया है वो हर कोई, किसी को इतना संघर्ष न करना पड़े, मैं उनका आगासार, उनका मार्गदर्शक बन के आगे बन के चलना चाहता हूँ, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े। जो भी मेरे यहाँ से प्रोड्यूसर न्यू आएगा या नए प्रोडक्शन हाउस से अपनी फिल्म को गाने लॉन्च करने के लिए, मैं उनका साथ दूंगा, मेरे जैसा उसे झेलना ना पड़े। अरे अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल करके वहाँ ट्रेनर रखूंगा, प्रोडक्शन एज ए पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के एज ए एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग के मेरे ट्रेनर वहाँ होंगे, और वहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था करूँगा। अगर उस एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, पोस्ट प्रोडक्शन का किसी टेक्निकल बनना है, तो जैसे पान की दुकान खोलना है तो पूंजी लगानी पड़ती है, तो अगर मेरे पास ऑफर आएगा तो मैं बोलूँगा भाई कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कि मेरे को 2-4-5 लाख-10 लाख दे दो, तुम अपने ऊपर पैसा खर्च करो, अगर चाहते हो कि एक मकाम पे पहुंचना है तो इस तरीके की व्यवस्था करके उन बंदे सारे लोगों से उनके ऊपर पैसा खर्च करा करके मेरा सहयोग होगा कि इंडस्ट्री में उनको उस मकाम तक पहुंचाऊं। दूसरी फिल्म के अनाउंसमेंट उस वक्त करूंगा जब मैं उस फिल्म का मुहूर्त करूंगा जिसमें मेरा